नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनए। मेरा नाम है अभिजीत और फिलहाल मेरे साथ मौजूद हैं डीएनए हिंदी के एडिटर पूजा मेहरोत्रा। तो जैसे कि हम सबको पता है कि ओलंपिक 2024 चल रहा है और जितने भी खेल प्रेमी हैं वो काफ़ी ज़्यादा जुनूनी हैं और काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है अपने फेवरेट खिलाड़ियों को लेके, अपने देश के खिलाड़ियों को लेके। पर इसी बीच एक विवाद है जो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आया है और इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा फिलहाल हाईलाइट हो रहा है। वो ये है कि दो फीमेल बॉक्सर्स हैं, अल्जीरिया की इमान खलीफ और ताइवान की लिन यू टिंग। ऐसा कहा जा रहा है कि ये दो बॉक्सर्स असल में बायोलॉजिकली मेल हैं, यानी कि इनमें XY क्रोमोज़ोम है, जो जो मेल क्रोमोज़ोम होता है। पिछले साल इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन द्वारा इन्हें 2023 के वर्ल्ड चैंपियनशिप से भी इसी कारण से बैन कर दिया गया था क्योंकि इन्होंने जेंडर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास नहीं किए थे। हालांकि इस साल वो ओलंपिक्स में खेल रही हैं और दोनों ही फिलहाल फाइनल्स में भी पहुंच चुकी हैं अपने अपने वेट कैटेगरीज में और शायद मेडल भी ले आएंगी। तो पूजा जी इस खबर को काफ़ी समय से फॉलो कर रही हैं, उन्होंने जेनेटिक्स के काफ़ी सारे एक्सपर्ट से भी इसके बारे में बात करी है, उन्होंने कई और एथलीट से भी इसके बारे में बात करी है। तो पूजा जी असल में बताइए, ये मुद्दा कहाँ से शुरू होता है और क्या है ये? देखिए, वो मुद्दा तो वहाँ से शुरू हुआ जब एक हफ्ते पहले इमान खलीफ का इटली की एंजेला के लिए एंजेला से चल रही थी और रिंग में वो 46 सेकंड्स के अंदर ही वो घुटनों के बल बैठ गई और उसने रोते हुए आरोप लगाया कि इतना मजबूत पंच तो उसने कभी सहा ही नहीं था। और वहाँ से इमान के खिलाफ विरोध का बिगुल बज गया एक तरह से कहिए, और पूरे इटली के लोग हों या दुनिया भर से लोग उसके कद काठी को लेके इमान खलीफ की बहुत सारी बातें करने लगे। तो अपीयरेंस को और लेकर अपीयरेंस को लेके कि भाई वो मेल डोमिनेटिंग की तरह है और उसका फेस कट मेल की तरह है, तो उसको बहुत सारी चीज़ों से भी मतलब बहुत सारी बातें कही गई जिससे उसका मोराल पूरा डाउन हो जाए। लेकिन मजबूत है वो लड़की जो अब फाइनल में है, और दोनों की दोनों ही फाइनल में है। ये एक बड़ी बात है कि उन लोगों के कैलिबर पे आपको दाद देना चाहिए कि इतने आरोप लगने के बाद सोशल मीडिया पूरा उनके खिलाफ भरा हुआ है। दूसरे देशों के एथलेटिक्स वाले हों या बॉक्सिंग वाले हों, वो सारे के सारे अथॉरिटी उनके पीछे पड़ी हुई है। उसके बाद भी वो डटी हुई हैं और एक के बाद एक मैच जीत रही हैं। तो आपने एथलीट्स से भी इनके बारे में बात करी जो पहले भी इस मामले से जूझ चुके हैं, क्या कहना था उनका? दूती चांद से मैंने बात की अभिजीत, और दूती ने कहा कि मैं तो ये कहूंगी कि कहीं पे भी बड़ा कंपटीशन होता है तो ऐसा वाला आरोप आता रहता है। क्योंकि ये चीज ही हमारा जो कंपटीशन का जो रूल एक्शन है, तो कहीं पे बच्चे जाते तो काफी टेस्ट देना पड़ता है, काफी क्वालिफिकेशन भी करना पड़ता है, इसके बाद बड़े कंपटीशन में खेलने को मौका दिया जाता है। और इससे आरोप जब कभी आता है, जब इनके अगेंस्ट में कोई खिलाड़ी खेलते हैं वो हार जाता है तब ये आरोप लगाते हैं कि अच्छा। ये इसका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है, बॉडी ये ऐसा मारता है, जैसे भी हो, जिसके जिसके नाम पर आजकल कंपटीशन में आया है, जैसे कैस्टर सुमेन के नाम पर हो या मेरे नाम पे या ये खलीफा के ऊपर, या वो इंडिया के एथलीट था जो एशियन गेम में होल्डर्स में सिल्वर मेडल लिया था नंदिन करके, इसके ऊपर भी आरोप लगाया था हमारा स्वप्ना बर्मन ने। तो काफी खिलाड़ी हारने के बाद ऐसा आरोप लगाते हैं, क्योंकि रूल में ऐसा था है ना, या ज्यादा हार्मोन लेवल हो या जेंडर का इश्यू का रूल रहता है, तो इसी को आक्षेप करके आरोप लगाते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से तो कॉम्पिटिशन टाइम ये लगाना सही नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटिशन जाने से पहले काफी टेस्ट देना पड़ता है, और वो लड़की नया खिलाड़ी भी नहीं है, काफी इससे पहले काफी कॉम्पिटिशन भी खेल चुका है और कभी कभी मेडल जीता है तो कहीं पे हार भी चुका है। वो उस टाइम में कोई सवाल नहीं उठाते, जब इतनी बड़ी कॉम्पिटिशन में खेल रहे हो, अच्छा प्रदर्शन कर रहे, उसी टाइम में इसको मोरली डैमेज करने के लिए वैसा आरोप लगाते इसके ऊपर, तो सही नहीं लग रहा है मुझे। दुनिया में काफी महिला लोग हैं जो नेचुरली हार्मोन भी प्रोड्यूस कराते हैं बॉडी में, जो हार्मोन लेवल कोई काम भी नहीं कराते बॉडी में। अच्छा। पहले जो हार्मोन लेवल बढ़ने से खेल में एडवांटेज मिलता था, जो आईसी कहती थी, तो उसी के अगेंस्ट तो मैंने केस दिया था 2014 में, कि मेरे ऊपर जो इनकम लगाया गया था कि मेरा हार्मोन लेवल ज्यादा है, मेरा बॉडी में ज्यादा एडवांटेज मिलता है, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को क्रिएट कराता है, तो इसी को मैंने प्रूव कराया है कि मेरा बॉडी में जो हार्मोन लेवल बढ़ रहा है वो नेचुरल है, ये को कभी भी खेल में मुझे अक्सर नहीं दिया है।
तो मैं जितना मेहनत करती हूँ उतना ही मेरा सफलता आता रहता है। तो इसी को रख के जो हमारे वकील ने मुझे 1 ईयर का मांगा था IOC को, कि जो ये हार्मोन लेवल बढ़ने से कितना परसेंट बेनिफिट मिलता है बच्चों को, तो उन्होंने प्रूफ दिला नहीं पाई, उन्होंने मना कर दिया साफ सब की हार्मोन लेवल बढ़ने से बच्चों को कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता, इसलिए रूल को हटाना पड़ा। दूती, क्या ये जो जितनी भी चीजें या आपके शरीर में भी बदलाव हुए थे, या इमरान खलीफ की बात करें या लिन यूटिंग की बात करें, तो इससे क्या कुछ अलग गर्ल्स के अलावा कोई अलग तरीके की चीजें आप लोगों को या एडवांटेज कुछ मिलता है क्या इससे, या आप थोड़ी अलग नहीं नहीं एडवांटेज तो नहीं मिलता है। मैं तो वो प्रूव कराया था ना 14 में, हार्मोन लेवल बढ़ने से कुछ नहीं होता, सिर्फ बॉडी का स्ट्रक्चर खराब होता है, मतलब चेंजेस होता है। जैसे थोड़ा मर्दों की तरह फेस कटिंग आता है, बॉडी फिटनेस हो जाता है, बस उसी का वॉइस थोड़ा चेंजेस हो जाता है, बस यही सब अक्सर दिखाता है बॉडी में, लेकिन परफॉर्मेंस बढ़ने का कुछ नहीं होता। कोई भी एथलीट होता है, चाहे वो उसेन बोल्ट हो, मेहनत नहीं करेगा तो वर्ल्ड में थोड़ी ना मेडल ले पाएगा वो। सही बात। हार्मोन रेस्टोरेशन भी ज्यादा है, वो चाहे तो घर में बैठ के भी खेल के जीत हो सकता है, तो फिर मेहनत क्यों कर रहे हैं? तो ये जितना सारा स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस बढ़ता है सब मेहनत की वजह बढ़ता है, इसलिए तो सुबह शाम रात दिन मेहनत करते रहते हैं स्पोर्ट्स खिलाड़ी लोग। जब कोई खिलाड़ी हारने लग जाता है अब उस मजबूत खिलाड़ी से, तो वो ऐसे ऐसे आरोप लगाता है। सर गंगाराम हॉस्पिटल में चेयरमैन हैं रत्ना दुआपुरी, उन्होंने भी यही बात बोली कि ये सब जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, लेकिन हाँ जेनेटिक एक्सपर्ट हैं वो, और जीनोम पे भी वो बहुत काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ये ऐसा हो सकता है, ये जेनेटिक बीमारियाँ होती हैं हम सब में, या XX हो या XY हो, एंड आगे कैसी डेवलपमेंट होती है, इज़ इट फॉर द मेल जेनेटेलिया और द फीमेल जेनेटेलिया, द मेल प्रिडोमिनेंट हॉर्मोन्स और द फीमेल प्रिडोमिनेंट हॉर्मोन्स, ये सब बहुत सारी जीन्स का कंट्रोल होता है। तो ये कभी होता है कि जब हम ब्लड में टेस्ट करते हैं तो XY क्रोमोसोम्स आए, मगर क्योंकि हमारी जीन लेवल पर जो क्रोमोसोम के अंदर होते हैं कुछ अगर गड़बड़ होए, तो जो डेवलपमेंट होती है वो फीमेल लाइक हो। ठीक है, ऐसी बीमारियां होती हैं, इसमें ऐसा होता है कि जो हमारे एक्सटर्नल जेनेटेलिया हो वो फीमेल लाइक हो, इंटरनल कुछ और हो, और ऐसा एक स्पेक्ट्रम होता है। हमें बहुत क्लियरली पता नहीं कि इन दो एथलीट्स को क्या है, तो हम इस पर कमेंट नहीं करेंगे, मगर जनरली मैं बता सकती हूँ कि ये डिसऑर्डर्स होते हैं, दे आर डिसऑर्डर्स ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट जो हम जेनेटिक्स में बोलते हैं, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ चेंजेस इन जीन वेयर यू कैन हैव एन अबनॉर्मल अ डिफरेंट क्रोमोसोम कंपेयर टू हाउ वी लुक। इफ आई लुक अ फीमेल आई एम एक्सपेक्टेड टू हैव XX, इफ समवन लुक्स अ मेल they are expected to have XY, but this can be different in situations where a person who looks like a female can have an XY because of genetic mutations. ये genetic disorder हो सकता है, blood में XY chromosome आ सकता है, लेकिन वहाँ ज़रूरत हो जाती है genes को test करने की, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी इस तरह से अचानक वहाँ नहीं पहुँचता। और ये जो दोनों खिलाड़ी हैं जिन पे इतने आरोप लग रहे हैं, वो दोनों इससे पहले कई कई मैच खेल चुके हैं और हार भी चुके हैं। तो जैसे कि आपने कहा कि हो सकता है कि किसी में ये म्यूटेशन हो, मतलब फिजिकल अपीयरेंस और कम्प्लीटली फिजिकली बाहर से वो फीमेल दिखे, पर अंदर से वो उसका जो क्रोमोसोम, उसका जो कंस्ट्रक्ट हो वो मेल का हो, पर क्या इससे उसको एथलेटिकली कोई एडवांटेज मिलता है या फिर उसको कोई अपर हैंड या फायदा है? नहीं, ऐसा कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि आप देखो ईमान के मामले में भी अगर आप देखें तो 50 मैच उन्होंने अभी तक खेले हैं 2018 के बाद से, जब से उन्होंने अपना करियर शुरू किया। दूती कहती हैं कि भाई ये आरोप लगा के उनका मोरल डाउन करने की कोशिश की जाती है, लेकिन इसका कोई इस तरह से एडवांटेज नहीं है। नहीं तो फिर उसेन बोल्ट की बात करती हैं जो सबसे तेज धावक हैं और हमेशा ही जीतते हैं, तो कहती हैं उसमें भी, मतलब वो तो मेल्स में भी कोई कुछ चीज़ें जो है वो ज़्यादा हो सकती है, तो वो आपकी कद काठी, आपकी सोच, आपका प्रैक्टिस, वो सारी चीज़ें उसको डेवलप करने में हेल्प करती हैं। इसका मतलब ये नहीं हो जाता
कि कोई महिला जो है वो मेल हो जाती है, एक्स वाई क्रोमोसोम के बेसिस पे हम डिसाइड नहीं कर सकते कि वो मेल हो गई है, क्योंकि उसके किसी भी गेम में जाने से पहले उसके कई कई टेस्ट होते हैं। अब आप देखिए फोगाट भी, हमारी विनेश फोगाट क्यों आ रही, अगर उनका वेट की बात की जाए तो हर चीज़ में, हर स्टेप पे, बड़े खेलों में, इंटरनेशनल खेलों में बहुत सारे टेस्ट से खिलाड़ियों को गुजरना पड़ता है, और अगर इमान मेल होती तो आप देखिए कि वो फाइनल तक तो नहीं ही पहुंची होती। तो इस तरह का आरोप ही लगा देना बहुत गलत है। और इससे पहले वो मैचेस हारी भी हैं, हारी भी तब कोई विवाद हाँ, नहीं होता बिल्कुल। और मतलब एक दो मैच नहीं हारी है, वो नौ मैचेस हारी है, और कुछ ऐसा ही लिन के साथ भी है कि वो वर्ल्ड चैंपियन रही हैं लेकिन वो भी हारी हैं। और ताइवान की जो बॉक्सिंग सरकार ने, और ताइवान सरकार का मतलब आपको लीगल एक्शन की थ्रेटनिंग देना, ये बहुत बड़ी बात है कि भाई अब उसको कोई मेल कहेगा, क्योंकि आप तो मोरल डाउन कर रहे हैं ना किसी का, कोई अच्छा खेल रहा है, कोई मजबूत है, कोई बलशाली है, तो आप उसको कह दीजिए कि वो आदमी की तरह है। एक समय के लिए चलिए हम मान लेते हैं कि उनमें उनका बायोलॉजिकली नेचुरली उनका जो हार्मोन कंस्ट्रक्ट है उसके वजह से उन्हें कोई एडवांटेज या फायदा मिलता भी है, तो क्या स्पोर्ट्स का एट द एंड ऑफ द डे ये गोल ही नहीं है कि जो कि कौन फिजिकली ज्यादा सुपीरियर है, कौन एथलेटिकली ज्यादा, जेनेटिकली ज्यादा गिफ्टेड है, उसको उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनको अवार्ड किया जाए कि कौन सबसे ज्यादा तेज भाग सकता है, कौन सबसे ऊंचा कूद सकता है, कौन सबसे दूर किसी गोले को फेंक सकता है। तो अगर किसी के नेचुरल हार्मोन स्ट्रक्चर के वजह से उसको कोई एडवांटेज मिलता भी है तो कितने हद तक वो गलत हुआ? नहीं देखिए, दूति से जो बात हो रही थी मेरी, जो कि खुद इस तरह की आरोपों से घिरी रही हैं, उन्होंने कहा कि जब आप का सिलेक्शन होता है तो हजारों सैकड़ों में लोग आते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन आते हैं, एथलीट आते हैं, उसके बाद किसी चार को, दो को या तीन को, तभी तो वो खिलाड़ी तो अपने देश में भी कई हैं लेकिन गए 175 या 200 की टीम गई है और उसको हैंडल किया जा रहा है, तो वो द बेस्ट हैं। तो वो जब बेस्ट का सिलेक्शन होता है तो उसमें पावर, उसमें उसका हेल्थ, उसका मेंटल एबिलिटी, वो सभी कुछ देखा जाता है। तो इसलिए ये कह देना कि कोई एडवांटेज मिलना चाहिए, मेल मेल होता है और अभिजीत फीमेल फीमेल ही होती है, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि वो फीमेल में ज़्यादा डोमिनेटिंग हो, मेल में कोई बॉक्सर, अगर मेल और फीमेल की आप बॉक्सिंग कराने की कोशिश करेंगे तो मेल तो हमेशा ही मजबूत, बेल्ट भी उसकी मजबूत होती है। हाँ हो सकता है कोई लिंथिन सा बॉय आ जाए इमान के सामने तो उसे दो पंच मार के वो दबा दें, तो ऐसा तो देखो सोसाइटी में बहुत बार लेकिन होता है। एक एलीट बॉक्सर और एक एलीट मेल बॉक्सर, एलीट फीमेल बॉक्सर को अगर भिड़ाया जाएगा तो हमेशा मेल ही डोमिनेट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक पक्ष है जिसका ये कहना है कि अगर किसी फीमेल एथलीट में मेल हार्मोन है और तब भी उसको अलग नहीं देखा जा रहा है तो मेल फीमेल कैटेगरी का ही क्या मतलब हुआ? नहीं देखिए, फिर वहीं पे हम लोग पहुंच रहे हैं, उसी जगह पहुंच जा रहे हैं कि धीरे धीरे आईओसी ने अपने नियमों को बदला है। जैसे जैसे वो और एडवांस होते गए उन्होंने चीज़ों को बदलना शुरू किया, और 1940 में कुछ था, 1960 में कुछ हुआ, 2010 में कुछ हुआ, और लेवल की बात की गई। मेल अगर किसी औरत को, आप बताएं, महिला को, बॉक्सर को पंच करेगा तो वो कैसी चीज़ें होंगी, मतलब वो तो कहीं ना कहीं उससे कमज़ोर ही होगी ना। आप माइक टाइसन के सामने एमएन खलीफ को थोड़ी खड़ा कर दोगे, आप खुद भी सोचें, है ना। जैसे कि हमने देखा है कि ओलंपिक और काफ़ी सारे खेलों में जो मेल और फीमेल, पुरुष और महिला का जो डिस्टिंक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर होता है, काफ़ी ज़्यादा क्लियर कट सटीक होता है, लेकिन प्रकृति में हमेशा लेकिन ये नहीं होता। जैसे कि आपने जेनेटिक एक्सपर्ट से भी बात करी, डॉक्टर से, कि कभी कभार ये भी हो सकता है कि किसी का क्रोमोसोम और किसी का जीन अंदर से मेल का हो लेकिन बाहरी अपीयरेंस उनकी फीमेल की हो। जी जी, उनके इसके बारे में क्या कहा उन्होंने? नहीं नहीं, उन्होंने कहा कि देखिए ये एक्चुअली ना आप खाली क्रोमोसोम के बेसिस पे नहीं बोल सकते, इट डिपेंड्स अपॉन द हार्मोनल कंटेंट। ठीक है, एक्चुअली जो मेल्स और फीमेल्स में फ़र्क होता है वो हार्मोन्स होती हैं। सो यू ऑल्सो हैव दीज एनहांसिंग हार्मोन्स विच दे टेस्ट विच इज़ मेकिंग द पर्सन मोर पावरफुल। सो खाली एक्स वाई और एक्स एक्स के बेसिस पे आई डोंट थिंक हम इतना
बातचीत कर सकते हैं अनलेस वी हैव एन एंटायर पिक्चर कि उनके हॉर्मोन्स क्या हैं, उनके और लेवल्स क्या हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो स्ट्रेंथ को गवर्न करती हैं अदर देन जस्ट द एक्स एक्स एंड द एक्स वाई। वाई दे सेपरेट द कैटेगरीज? बिकॉज वी जनरली बिलीव दैट इन एक्स एक्स एंड द एक्स वाई द हॉर्मोनल कॉम्प्लीमेंट ऐसा होता है जो अलग अलग एनर्जीज देता है। मगर जहाँ एक्सटर्नल और इंटरनल क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट मैच नहीं करता, फिर उस एनवायरनमेंट में हमको और भी फैक्टर्स देखने होते हैं, क्योंकि कई अलग अलग किस्म की जो हमने म्यूटेशंस के बारे में बात करी वो हो सकते हैं जो ये हार्मोनल कंटेंट को इम्पैक्ट कर सकता है। ये म्यूटेशन जेनेटिक म्यूटेशन होता है और इसकी वजह से संभव होता है कि जो महिला की तरह दिख रही है उसके अंदर पुरुष वाले क्रोमोसोम ज़्यादा हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बाय डिफ़ॉल्ट उन्हें कोई एडवांटेज नहीं मिलता है। जी जी जी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे, फिलहाल काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल मुद्दा जो बना हुआ है आजकल ओलंपिक के बारे में, ऐसे ही कई और खबरों को फॉलो करने के लिए और कई और विषयों के बारे में जानने के लिए आप देखते रहिएगा डीएनए।